सतना बस स्टैंड क्षेत्र में लगी आग, रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में लगी आग से होटल भी खाक। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सतना शहर के बस स्टैंड में बुधवार की सुबह उठी आग की लपटों ने हड़कंप मचा दिया। आग से यहां एक रेडीमेड कपड़ों का गोदाम और उसके नीचे बने होटल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें, सतना बस स्टैंड में बने दो मंजिला कॉम्प्लेक्स में बुधवार की सुबह लगभग 6:30 बजे अचानक धुएं के साथ आग की लपटें उठते दिखाई दी। ये लपटें रेसु गुप्ता की नंबर 4 की दुकान से संचालित शारदा मिष्ठान भंडार के ठीक ऊपर स्थित अमर ड्रेसेस के संचालक कमल चिमनानी के गोदाम के अंदर से उठ रही थी। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके कुछ देर बाद दमकल वाहन वहां पहुंच गया। अग्निशामक दस्ते ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। एक के बाद एक 3 दमकल यहां पहुंचे, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक ऊपर स्थित रेडीमेड कपड़ों के गोदाम और नीचे बने होटल का सामान जलकर खाक हो चुका था। बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स की D4 नंबर की दुकान रेसु गुप्ता की है। नीचे उसने शारदा मिष्ठान भंडार नाम से होटल खोल रखा है, जबकि ऊपर वाली दुकान कमल चिमनानी को रेडीमेड कपड़ों के गोदाम के लिए दे रखी है। कमल वहां कपड़े रखता था। मंगलवार को ही उसके यहां कुछ नया स्टॉक आया था, जिसे उसने यही रखवा दिया था। सुबह कमल और रेसु दोनों को सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है। वे वहां पहुंचे, तब तक गोदाम में भड़की आग नीचे होटल को भी अपने चपेट में ले चुकी थी। आग से दोनों का लगभग 10 लाख से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग कैसी लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ है या किसी ने कोई शरारत की है, इसकी जाँच कोलगवा थाना पुलिस कर रही है। रीवा सतना की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।